कल तो सिर्फ सहरी के वक्त में पानी नहीं था, आज सहरी गायब हो गई पूरी, पूरा रूम आज सोया रह गया। मुझे जहां तक याद है हम लोग पिछले रमजान में भी जब मैं डेली ब्लॉग कर रहा था उसमें भी एक रमजान में ऐसा हुआ था। असल मुद्दे की बात तो है अपने साथ स्कैम 2023 हो गया। लैलतुल कद्र को सीरियस ले और रात को बर्बाद ना करे घूम फिर के दोस्तों से बात करके या अपनी खातूनों से रात में लंबी लंबी बातें शाते कर। दो रकत निकल गई, ये इसमें दम नहीं है चम्मच में। पूरा खाना खत्म होने के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने खाया आज बिरयानी एकदम, इसमें गोश्त वगैरह का नामो निशान नहीं है क्योंकि सब खत्म हो गया है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, साकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान। आई एम बैक इन द ब्रांड न्यू व्लॉग। वेलकम टू द 20th ऑफ रमजान। और आज वो प्रैंक हुआ अपने साथ, वो मसला हुआ अपने साथ। कल तो सिर्फ सहरी के वक्त में पानी नहीं था, आज सहरी गायब हो गई पूरी, पूरा रूम आज सोया रह गया। हॉस्टल रूम में जितने लोग थे सबके सब सोए रह गए, एक बंदा सिर्फ उठा हुआ था वो भी 20 मिनट पहले। अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ था उसके भी दिमाग में नहीं है कि लाओ सबको जगा दें, सबके सब सोए रह गए। मुझे जहां तक याद है हम लोग पिछले रमजान में भी जब मैं डेली ब्लॉग कर रहा था उसमें भी एक रमजान में ऐसा हुआ था एक रोजे में कि मैं नहीं उठ पाया था, अक्सर करके लोग सोए रह गए थे रूम में। और वो ब्लॉग मैं देखूंगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है वो 20वां रमजान था, 21वां ऐसे ही था। अभी देखूंगा मैं, पुराने ब्लॉग छांटूंगा उसमें जो मिलेगा फिर देखता हूँ कोइंसिडेंस कितना तगड़ा वाला हुआ है। खैर अभी जोहर का वक्त हो गया, जा रहे हैं नमाज पढ़ने। माशाल्लाह वो धूप हो रही है, बेहतरीन वाली धूप हो रही है। मतलब इसी धूप में रोना, अरे रोना निकल रहा है मुझसे, इसी धूप में रोज़ा, खैर रोना भी सही है कुछ लोगों के लिए, मगर इसी धूप में रोज़ा रहने का मज़ा आता है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है रोज़ा हो। प्रोस्टर्स, नमाज पढ़ लिए, अभी थोड़ा सुकून से बैठे हैं, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अ टॉक विथ यू ऑल, अ स्मॉल टॉक ज़रूरी है, जो कि अक्सर करके जब मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ ना, सुबह उठ जाता हूँ लाइन से लीनियर मोशन में काम करता हूँ ना, तो मेरे से हो नहीं पाता है किन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकूँ। बट अभी आज सहरी में नहीं उठा तो उस वक्त से व्लॉग ने स्टार्ट किया, अभी फ्री हूँ, सो नाउ आई विल यूटिलाइज दिस टाइम फॉर समथिंग बेनिफिशियल इंशाल्लाह। कौन सी थी किताब, सही बुखारी से मैंने कुछ अहदीस इकट्ठा की हुई थी जो लैलतुल कद्र के फजाइल के ऊपर है। सबसे पहली हदीस जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ वो ऐसे, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है इस हदीस को नरेट करती हैं और उसमें वो बोलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रमजान के आखिरी 10 दिन बचते थे ना, उस वक्त जो है अपने कमर को कस लेते थे, कमर कस लेते थे, दैट मीन्स मुहावरन बात हो गई कि मतलब वो एकदम रेडी हो जाते थे और वो ज़्यादा अपनी इबादत को बढ़ा देते थे और ज़्यादा अटेंटिव हो जाते थे क्योंकि ये बहुत फजीलत वाला वक्त है। वहीं दूसरी हदीस में आता है सही बुखारी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लैलतुल कद्र है ना उसको रमज़ान की आखिरी 7 रातों में ढूंढा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लास्ट 10 दिनों में अटेंटिव हो जाते थे, मतलब अटेंटिव तो हमको 10 दिन में ही हो जाना है, 10 दिन से तैयारी हो जानी, मतलब आज है 20वां रोज़ा तो अब से शुरू कर देना, वैसे तो पूरे रमज़ान में सीरियस रहना है बट ये लास्ट की जो 10 दिन है और रातें ना इसमें ज़्यादा ही रहना है। वो रमज़ान के लास्ट 7 दिन जो बचते हैं ना उसमें हमको लैलतुल कद्र की रात को तलाश करनी ऑड नाइट्स में, जैसे कि 25, 27, 29 इस तरीके से। और लास्ट हदीस जो है इम्पॉर्टेंट, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स रात में खड़ा होता है क़याम में, मतलब ये लैलतुल कद्र की रात में क़याम में खड़ा होता है, क़ियामुल लैल मतलब करता है, तहज्जुद पढ़ता है, मतलब इबादत करता है और भी किसी तरीके की इबादत, मतलब कुरान का रिसाइटेशन करना, जिक्र करना अल्लाह का, ये सब जो करता है ना इस नियत से करता है, सच्ची नियत से करता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, वो तौबा करता है और नियत करता है कि मेरे अल्लाह ताला दर्जात जो है बुलंद कर देगा, तो अल्लाह ताला वो चीज़ करता है, उसकी दुआओं को कबूल करता है, उसके गुनाहों को माफ़ करता है और आपके दर्जात को जो है बुलंद करेगा। तो आपको इस रात को सीरियस लेना चाहिए। अब मैं ये हदीस क्यों बता रहा हूँ, आमतौर पर हमारे यहाँ क्या कल्चर है, रात को बस जागने का कल्चर है, किसी भी तरीके से जागना है, कोई IPL देख के जाग रहा है, कोई लूडो खेल के जाग रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल के जाग रहा है, यहाँ कहीं कहीं हॉस्टल्स में तो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं रात में लाइट वगैरह जला के, पाकिस्तानी ड्रामास डाउनलोड कर लिया और सोच रहा रात भर देखेंगे, कोई अर्तुगरल गाजी डाउनलोड कर लिया सोच रहा रात भर देखेंगे, सो कॉल्ड मुस्लिम्स के द्वारा बनाए गए सीरियल्स ड्रामास इनको डाउनलोड कर लेता, सोचता है इसको देखेंगे रात कैसे गुजार लेंगे और जाग भी लेंगे सवाब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सवाब मिलने वाला भाई, अभी IPL चल रहा है तो जोर शोर से लोग उसको देखते हैं। सो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आएगी, लैलतुल कद्र को सीरियस ले और रात को बर्बाद ना करें घूम फिर के दोस्तों से बात करके या अपनी खातूनों से रात में लंबी लंबी बातें शाते करके, लंबी क्या छोटी भी नहीं कुछ भी नहीं, मत कीजिएगा बर्बाद, इबादत करिए बस और गुनाहों की माफ़ी मांगिए और जिस खातून से आप बात करना चाहते हैं उसके लिए दुआएं कीजिए, क्या पता निकाह ही हो जाए। मैंने पहले ही बोला था आज कि इससे पहले वाले रमज़ान में भी एक सहरी छुट्टी थी, अभी मैं चेक कर रहा था अपने ब्लॉग्स कौन से वाले रमज़ान में छुट्टी थी, 14वां रमज़ान था ये, इसका थंबनेल सुबह सहरी छूट गई, ये 14वां रमज़ान था। असल मुद्दे की बात तो है अपने साथ स्कैम 2023 हो गया, मैं रात में 3 बजे तक जगा रह गया मसले मसाइल की वजह से, फ़ोन चलाते चलाते मेरा दुश्मन फ़ोन जगा रह गया, उसके बाद फिर जब मैं सोया तो 1 घंटे में ही उठ गया, फिर 4 बजे मैं कहा 4 अभी बज रहा है अभी तो बहुत टाइम, वापस से झपकी मारा उसके बाद अभी जाके उठा, और यही हाल हुआ मेरे सारे रूममेट्स का, सब सोए रह गए, रात में पानी का बॉटल वगैरह भर के रखे थे कि सहरी में पी, सब पड़ा रह गया। और आज वाले में भी सेम हुआ है, रात में मैं बॉटल भर के रखा था पानी पीने के लिए, कल तो हॉस्टल में पानी ख़त्म था, आज हॉस्टल में पानी था
पानी भर के रखे थे बॉटल में तो उठे ही नहीं। गाइस जा रहे हैं इफ्तार का सामान लाने, आज पहले निकलना पड़ रहा है, असर वहीं जमालपुर में जाके पढ़ेंगे क्योंकि सामान ज्यादा है। जमालपुर आ गए, अभी सामान लेना है, फल लेने हैं, फल में लेने हैं अनार, उसके बाद अंगूर, केला और दूध लेना था, और क्या लेना था, कस्टर्ड पाउडर, इतनी चीजें लेनी हमें। काट दीजिए पूरा ठेला लाले। नमाज का वक्त हो गया, चार है नमाज पढ़ने, जल्दी से, वैसे भी दो रकत निकल गई। लगभग लगभग सारे सामान हो गए, लास्ट चीज बची है दूध देना, दूध ले लेते हैं फिर चलते हैं हॉस्टल जल्दी से, वैसे भी लेट हो गया है, पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, 1 मिनट 5:30 बज रहे हैं, मतलब अभी इफ्तार के वक्त में 1 घंटा है, काम ज्यादा करना है इसीलिए जल्दी ले जाना पड़ेगा। सामान वगैरह लेके सारा हॉस्टल आ गए और जल्दी आ गए, जितना सोचे उससे जल्दी आ गए। इधर बन रहा अपना चना, इधर उबले हुए अंडे रखे हुए हैं जस्ट बिकॉज आज अंडे की पकौड़ी बनेगी, इधर है बेसन। दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, इफ्तार करने के लिए फल को काटना ही पड़ेगा। अरे यार राइम ही नहीं हुआ कुछ। बैक अनार को जल्दी से फाड़, चीड़ फाड़ के उसके दाने निकालने का इजी तरीका, ये इसमें दम नहीं है चम्मच में। बस सायरन बजने वाला है, इफ्तार का वक्त होने में 1 मिनट बाकी है, दुआ किया जाता है, घूरा नहीं जाता लोगों को। दैवीय सज्जनों, ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है, भागा दौड़ी में उसके बाद मैं भूल गया था ब्लॉग को आगे का पार्ट शूट करना, थोड़ा बाहर आ गया था काम से इसकी वजह से, बाकी फिर मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। पत्थर पकौड़ा खाते थे पत्थर बिरयानी खा रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। पूरा आप उठा लिए ना, इतना छोटा एक एक टुकड़ा लेते हैं तब मारते हैं। गुलाब जामुन।